चार गुण बताता हूँ आपको प्लीज, और इसको अगर आप मिनोन इस पर अमल करेंगे तो अपनी जिंदगी जन्नत बना लेंगे। घर के अंदर मर्द ना बनिए, मर्दानगी अपने घर के बाहर छोड़ के जाइए, बाहर बन के दिखाइए मर्द। उसको क्या मर्द बन के दिखाना जो आपका घर चला रही है, आपकी दुनिया चला रही है। आप मर्द हैं तो शादी की उसने आपसे, बार बार ये जताने की जरूरत है कि शक है कौन। दूसरी बात, ऑलवेज रिक्वेस्ट योर वाइफ, वो 10 दफा ना करे 11वीं दफा भी रिक्वेस्ट कीजिए, इवेंचुअली मान जाएगी। लेकिन जब वो मान जाएगी ना रिक्वेस्ट पर मानेगी तो पूरे दिल से काम करेगी। और अगर आप उसको ये कहेंगे ना मैं कह रहा हूं ले आया या ये कर दे तो लाना कैसे करने और देने का, कर तो वो देगी, कर तो वो देगी। वो एक दफा मैं होटल आए हुए थे हुमायूं सईद और नदीम में, वो लंबे लंबा सेशन चला तो उसमें कुछ 4-5 दफा वेटर आया, तो 5वीं दफा जब वो आ गया तो कहता हूँ खलील भाई एक बात तो बताएं, हमारी तो 2 मिनट में जरा सी बात पे आप पतलून उतार के कंधे पर डाल लेते, वेटर के साथ आप बड़ी तमीज से बात करते। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ, वो मेरे लिए खाना लेके आता है, जूस लेके आता है, चाय लेके आता है, कुछ भी आ गया ना उसको गुस्सा उठाएगा ऊपर से थूक देगा बीच में, मैंने अंदर लेबोरेटरी लगाई हुई, मैं उससे प्यार से बात करूंगा तो वो चीजें बचा के लाएगा। बट इन एवरी रिलेशन जब आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना सर, वो इतने दिल और ईमान से काम करते हैं, मजा लेते हैं उसका, उसको याद होता है इसने 11 बार रिक्वेस्ट किया। ये कितने गुरु हो गए, दो। तीसरा है, नेवर ट्राई टू प्रूव अपॉन योर वाइफ दैट यू आर बेटर इंटेलिजेंट देन हर, ओके, शी इज द वाइसेस्ट पर्सन इन एट होम। आप उसके सामने यू आर नॉट वाइजर देन हर, टेल हर यू आर द वाइस मोस्ट पर्सन। उससे आपकी कोई विजडम जो है वो चली नहीं जाती, बट दैट इज अनदर वे ऑफ रिस्पेक्टिंग योर वाइफ। यदि नहीं करोगे ना 2 महीने तक जाहिल साबित कर देगी। एंड चौथा, जब भी कभी कामयाबी मिले टेल हर इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, उससे कामयाबी छिन नहीं जाती। ये 4 बातों पर अमल कर लेंगे जिंदगी पार, वो आपको वो है, फिर वो औरत बनेगी जो मर्द को बना देती है।